वसुदेव ने नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण को पहुंचाया। गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ। 5 दिन की उम्र में और भगवान ने मुरलीधर ने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में भगवान ने षटकासुर का वध किया और भगवान मुरलीधर धीरे से जब छोटे से बड़े हुए तो आप लोगों को बता दें भगवान ने माखन भी चुराया। वैसे माखन चुराने का कोई उद्देश्य नहीं था, कारण ये था कि जितना भी ब्रज का माखन है वो बिकने के लिए मथुरा चला जाता है और ब्रजवासी दिन पे दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। कथा श्रोताओं, इसलिए भगवान ने माखन चोरी की। एक दिन भगवान ने देखा जितने भी ग्वाल वाले हैं और जितनी भी शंख के सखा हैं वो गैया चराने चले जाते हैं और भगवान कन्हैया घर में अकेले रह जाते हैं। तो कन्हैया ने एक दिन मैया यशोदा से कहा कि मैया हम भी गाय चराने जाएंगे, ग्वाल वाल सब चले जाते हैं, अकेले हम रह जाते हैं, हम गाय चराने जाएंगे। तो कन्हैया से मैया यशोदा ने कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, अरे बड़े हो जाओ तब जाना। तो कन्हैया जिद कर गए, बोले मैया अब तो हम बड़े हो चुके हैं और हम गाय चराने जरूर जाएंगे। तो मैया यशोदा ने कहा कि बेटा अगर नहीं मानते हो तो जाओ, हर दिशा में गाय चराने जाना, हर क्षेत्र में गाय चराने जाना कन्हैया, लेकिन एक जगह भूल करके मत जाना, एक जगह नहीं जाना है। कहा? कि यमुना तट पर काली देह पर, जहां पर यमुना